हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन होने जा रहा है, इसलिए आप सभी को एग्ज़ाम प्रिपरेशन का तरीका भी बदलने की ज़रूरत है। इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम की एक झलक दिखाने और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होने जा रहा है, उसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराने जा रही है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट दिया है, जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका किस तरह से होना है। आप देखिए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है, और यहाँ पर ऊपर जो सबसे पहली बार है उसमें मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक विंडो पे ले जाया जाता है, जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम को चूज़ कर सकते हैं कि आप किस कौन से एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप यूजीसी नेट को सिलेक्ट कीजिए, और पेपर वन और पेपर टू दोनों की ही यहाँ पर प्रैक्टिस की जा सकती है। हम यहाँ पे फिलहाल पेपर वन को लेकर चलते हैं। जैसे हम स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमसे लॉगिन डिटेल मांगता है। फिलहाल हमें कोई लॉगिन डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है। हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम जब होगा आपका दिसंबर में, तब वहाँ पर आपको लॉगिन डिटेल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हम लॉगिन प्रेस करते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन पेज पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब इंस्ट्रक्शन पेज पर यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जिसको मुझे लगता है कि आपको पहले से ही अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसको पढ़ेंगे तो अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ेगा, और ये आपका टाइम भी कंज्यूम करेगी इसको समझने में भी। इसलिए इसको पहले ही समझ लेना ज़्यादा अच्छा है। आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जिससे ये सारी ही इंस्ट्रक्शंस हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। मेरा आपको सजेशन है कि यहाँ से आगे प्रोसीड करने से पहले, जैसा कि नीचे एक बटन दिया हुआ है प्रोसीड का, प्रोसीड बटन को प्रेस करने से पहले पहले ही आप सारी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लें। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर इन सब को पढ़ने से अच्छा है कि इन सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से अभी पढ़ लें और समझ लें, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा तो यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड बस बटन को प्रेस करते हो, आपको सीधे एग्ज़ाम के पेज पर ले जाया जाता है। और उस पेज पर जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ पर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कुछ सोचने का। तो प्रोसीड बटन को प्रेस करने से पहले पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लिया है, और एग्ज़ाम को करने से पहले जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सब प्रिपरेशन आपने पहले से कर ली है। ये सब कुछ आपको प्रोसीड बटन को प्रेस करने से पहले पहले कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आप डिक्लेरेशन के लिए एक टिक लगाते हैं, और उसके बाद आप प्रोसीड बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, आपको अभी पता लगेगा कि आप अपने प्रोसीड टाइमर जो है वो टाइमर कैसे स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे तो सारी इंस्ट्रक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ आती रह जाएगी। तो हम प्रोसीड बटन को प्रेस करते हैं, और ये देखिए हम प्रोसीड बटन को प्रेस करते ही आ गए हैं जो मेन पेज है, जहाँ पर आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट टॉप कॉर्नर पे टाइमर चल रहा है आपका। जैसे ही हमने यहाँ पर आए थे, यहाँ पर टाइमर का चलना शुरू हो गया था। टाइमर के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड पेपर लिखा है। ये डाउनलोड पेपर इंग्लिश और हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पेपर की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे आप हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी में हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक मुझे लगता है इसके अंदर फीचर आया है। कई बार हमें क्वेश्चंस इंग्लिश की बजाय हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो यहाँ पर हम इमीडिएटली इसको हिंदी में कन्वर्ट करके उसको देख सकते हैं कि क्या है। तो फिलहाल हम इसको इंग्लिश में रखते हैं। ठीक इनके नीचे, चेंज पेपर लैंग्वेज के नीचे, आप देख रहे हैं कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं, पाँच सिम्बल्स दिए हुए हैं। एक नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू एंड मार्क आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो एक्चुअली ये अलग अलग सिंबल्स इसलिए हैं कि हम जब अलग अलग तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। अभी हम जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, हम इनको दिखाएंगे कि हर एक सिंबल्स को अपीयर करके देखेंगे। इन सिंबल्स के ठीक नीचे आप जो ये नंबर देख रहे हैं 1 से लेकर 50 तक, इसे कहते हैं क्वेश्चन प्लेट। तो ये क्वेश्चन प्लेट पे 1 से 50 जो नंबर दिख रहे हैं वो 1 से 50 क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पर किसी डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। सपोज़ कि आप 20th क्वेश्चन पे जाना चाहते हो, आप 20th को प्रेस करोगे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि 20th क्वेश्चन आ गया। फिलहाल हम इसको 1 पे ही रखते हैं। तो
ओके, राइट हैंड साइड पे आपके क्वेश्चन प्लेट है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस जो होंगे उनके ठीक नीचे उनके ऑप्शंस दिए होंगे, जहाँ पर आपको क्लिक करके इसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। क्वेश्चंस और ऑप्शंस के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो हम इन सभी ऑप्शंस को एक बार प्रेस कर करके देखेंगे कि क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर वन में आप देख रहे हैं, हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इंडिकेट योर आंसर बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द कोड्स। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, ये जरूरी नहीं है। अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, ये भी जरूरी नहीं है। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर इज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, ये मुझे काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से ए, सी एंड एफ मुझे ऑप्शंस लग रहे हैं कि ये होना चाहिए, और ये थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। अब हम थर्ड ऑप्शन को चूज़ करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट को पहले प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट को प्रेस करते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन प्लेट में जो वन नंबर है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ग्रीन में कन्वर्ट होने का मतलब है हमने इसे आंसर कर दिया है, सिर्फ हमने इसे आंसर कर दिया है। अब हम ऐसे ही सारे ऑप्शंस को प्रेस करके देखेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन प्लेट में किस तरीके से सिंबल अपीयर होते हैं। तो इनको जल्दी से अटेम्प्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस के फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू को जब हम क्लिक करते हैं तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन प्लेट पे जो सिंबल है वो ब्लू हो गया और उसके साथ एक ग्रीन मार्क लगा हुआ है। तो इस सिंबल का मतलब है कि आंसर कर दिया है हमने, लेकिन इसको फ़िलहाल हमने रिव्यू में रखा है, हम इस पर एक बार दोबारा से सोचना चाहेंगे। अगर बाय चांस हमसे ये ऐसे ही छूट जाता है तो ये इवेल्युएशन के लिए कंसीडर होगा। तो इसको आप इस तरह से छोड़ो या फिर ग्रीन तरीके से छोड़ो, ग्रीन सिंबल में कन्वर्ट करके छोड़ो, एक ही बात है। बस ब्लू में होने का मतलब यह है कि आप इसे एक बार दोबारा से देखना चाहते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अगेन हम आगे चलते हैं, फिर फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्लियर रिस्पांस को जब हम दबाते हैं तो क्या होता है। तो क्लियर रिस्पांस को दबाने से हम देख रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन जो हमने चूज़ किया था वो वहाँ से हट गया है। तो अगर सपोज़ कि आपको किसी क्वेश्चन से अपने ऑप्शन जो आपने चूज़ किया वो उसको क्लियर करना है तो फिर आपको क्लियर रिस्पॉन्स को दबाना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मैं इसको कोई आंसर नहीं करूँगा और मैं नेक्स्ट करके और अगले क्वेश्चन पर जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर में अगेन मैंने फोर्थ ऑप्शन को चूज़ कर लिया और देखते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट को जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है। भाई आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर एक ब्लू सिंबल आ गया है। ब्लू सिंबल का मतलब है मार्क फॉर रिव्यू, उसको हमने रिव्यू के लिए रखा है, हमने इसको आंसर कर दिया, रिव्यू के लिए रखा है, लेकिन ये जो आंसर है ये एवेल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं होगा। जो दो ब्लू मार्क हैं उनका यही मतलब है, पहले ब्लू मार्क ब्लू जो सिंबल है उसके साथ ग्रीन मार्क है, उसका सिंपल सा ये मतलब है कि ये एवेल्यूएशन के लिए भी कंसिडर होगा, लेकिन जो कम्प्लीट ब्लू है वो एवेल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं होगा। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो एक क्वेश्चन प्लेट पे आ सकते हैं। अब हम जल्दी जल्दी इस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि एंड में क्या होता है जब हम पेपर को सबमिट करते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर कर जैसे ही हम सभी क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं इसके बाद हम सबमिट बटन को प्रेस करना होगा हमें। तो सबमिट बटन को, ये फाइनल सबमिशन नहीं है, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो आपको सबसे पहले ये समरी दिखाएगा। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम समरी दिखा रहा है कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन को हमने आंसर कर दिया, एक को हमने आंसर नहीं किया है, एक को हमने रिव्यू के लिए रखा हुआ और एक को हमने रिव्यू के लिए रखा, लेकिन दैट विल बी कंसिडर फॉर इवेल्यूएशन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको हमने विजिट नहीं किया, हमने सभी क्वेश्चन को विजिट कर लिया था।
तो आप यहाँ से भी अगर कोई चेंज करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, तो आप नो बटन को क्लिक कीजिए और पीछे जाके आप अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी करेक्शन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कोई चेंज नहीं करना चाहते तो आप यस को क्लिक कीजिए। ये यस भी अभी फाइनल सबमिशन नहीं है, यहाँ पर आने के बाद अब ये आपसे फाइनल सबमिशन के लिए पूछ रहा है। अगर आपने वो ओके बटन को प्रेस किया, इसके बाद आपका पेपर फाइनली सबमिट हो जाएगा, जिसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी भी कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कैंसिल बटन को प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओके को प्रेस करते हैं और ये देख रहे हैं ये सब सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इस एग्ज़ाम की एक अच्छी चीज़ ये भी होगी, एक नया फीचर जो इसमें आएगा, कि आप अपने रिजल्ट को इमीजिएटली अपने क्वेश्चन पेपर के सबमिट होने के बाद देख सकते हैं। तो जैसे ही आप व्यू रिजल्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि स्कोर आपके सामने आ गया है। स्कोर इस एग्ज़ाम का जो हमने अभी अटेम्प्ट किया उसका 36 था। इसमें पूरी कंप्लीट समरी आ रही है कि टोटल क्वेश्चन 50 थे, जिसमें से 48 को अटेम्प्ट किया है, जो करेक्ट आंसर है वो 18 है और इनकरेक्ट आंसर 30 है। इवन इसके बाद नीचे और ये 50 क्वेश्चंस की लिस्ट दी हुई है और इसमें दिखाया हुआ है कि आपने इसका कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था और जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली हर एक क्वेश्चंस के लिए, एक से लेकर 50 क्वेश्चंस तक के लिए पूरी पूरी लिस्ट दी हुई है और आप देख सकते हैं अपने हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को कि आपने उसे सही से आंसर किया था या नहीं किया था। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है जिसमें स्टूडेंट फीडबैक है। स्टूडेंट फीडबैक में जाके आप अपना फीडबैक बता सकते हैं कि आपको ये पेपर कैसा लगा, आपकी जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है और आपने जिसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है वो कैसा है, आप अपने व्यूज़ यहाँ पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला वीडियो हम ट्रेनिंग और टिप्स पे लेकर आएंगे कि आप इस ऑनलाइन एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। पीई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम यह ऐसे ही नए यूजफुल वीडियो लाएं तो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपके पास सवाल है अपनी यूजीसी एग्जाम से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ ही सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहोगे। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।